तो भाई बेसिकली मैं स्टार्टिंग में बात करूं तो भाई दोनों में से कोई सा भी फोन बजट फोन तो नहीं कह सकते हैं हम। 40,000 रुपीज और 50,000 रुपीज का एक बजट फोन तो नहीं है, स्पेशली इंडिया के एक एवरेज मिडिल क्लास यूजर के हिसाब से दोनों में से कोई भी फोन बजट फोन नहीं है गाइस। जो एप्पल इसको बोलता है कि उन्होंने एक बजट फोन लॉन्च किया है, तो नहीं नहीं नो नो नो, कोई भी बजट फोन नहीं है। 42,500 गाइस, ये कहां से बजट होता है? तो गाइस 42,500 ये कोई भी बजट नहीं है गाइस एप्पल के हिसाब से, क्योंकि एप्पल के सारे फोन जब भी लॉन्च होते हैं अराउंड $1,000, मतलब 60,000 रुपए, 70,000 रुपए, 80,000 रुपए। सो उनके हिसाब से ये iPhone SE जो है नए, ये बजट फोन है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आधे रेट पे आया है। बट गाइस एवरेज मिडिल क्लास इंडियन यूजर के हिसाब से इन दोनों में से कोई सा भी बजट फोन नहीं है। सो ये मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। कौन मैसेज कर रहा है? विशाल। तो गाइस बिफोर बिगिनिंग आई जस्ट वांट टू आस्क यू गाइस कि गाइस आपको ये वाली क्वालिटी अच्छी लग रही है कैमरा की, या फिर जो क्वालिटी आगे जाके आने वाली है? गाइस ये वाला जो कैमरा है, ये मैं शूट कर रहा हूँ अपने आईफोन 7 के कैमरा से। गाइस ये पहली बार जब मैंने अपने आईफोन, मतलब मैंने अपने मोबाइल के कैमरा से शूट करने की कोशिश करी है। तो गाइस जो भी पूरा इंट्रो होगा वो मैं अपने आईफोन 7 से शूट करूंगा, एंड गाइस बाकी वाला पार्ट मैं अपने DSLR से शूट करूंगा, बाकी वाला पार्ट मैं अपने DSLR से शूट करूंगा गाइस। क्योंकि देखने में तो मेरे को अपने मोबाइल की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी गाइस। अच्छी बात यह कि ये 4K भी सपोर्ट करता है, तो हो सकता है कि फ्यूचर वीडियोस 4K में ही आए। और गाइस वन मोर थिंग बिफोर बिगिनिंग गाइस, मैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन गिव अवे कर रहा हूँ। तो गाइस अगर आपको कोई भी थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट करने का, गाइस सिंपली आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो करना है, दिस राइट इज माय हैंडल। एंड गाइस थर्ड चीज, जो गेम्स है, थोड़े बहुत स्टेप्स हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। सो गाइस नाउ लेट्स जस्ट क्विकली बिगिन विद द वीडियो। So here was up guys, Harshan back with the video. So guys in this video I'm going to talk about कि गाइस क्या आपको iPhone SE लेना चाहिए या फिर आपको iPhone XR लेना चाहिए। तो भाई फ्यूचर में जब मैं ये दोनों फोन्स ले लूंगा, जब क्वारंटाइन लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तो भाई मैं दोनों की हैंड्स ऑन वीडियो जरूर बनाऊंगा। बट गाइस फिलहाल के लिए हमें ऐसी वीडियो से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि गाइस लॉकडाउन चल रहे हैं। सो भाई बेसिकली बस जो ऑन पेपर इन्फॉर्मेशन है उससे ही काम चलाना पड़ेगा। सो भाई जो iPhone SE और iPhone XR है, या फिर 10R जो भी आप उसको बोलना चाहते हैं, गाइस ये दोनों सिमिलर प्राइस रेंज में आते हैं। मैंने देखा था कि मेरे दोस्तों ने जब Amazon में कुछ सेल लगी थी पिछले कुछ दिनों पहले, गाइस उन्होंने उसमें से iPhone XR या फिर iPhone XR को 40,000 तक का भी लिया था। गाइस जो iPhone SE लॉन्च हुआ है वो हुआ है 42,500 का, और गाइस उन्होंने XR लिया था 40,000 का। तो गाइस फिलहाल के लिए XR का प्राइस अराउंड 50,000 से लेकर 52,500 तक कहीं भी मिल जाएगा, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द वेंडर गाइस 50,000 से लेकर 52,500 तक का प्राइस XR का मिल जाएगा। एंड गाइस जो iPhone SE है वो है 42,500 का। सो ऑलराइट गाइस मैं फटाफट एक बार जरा अपना कैमरा स्विच कर लूं, एंड देखते हैं आप इस वाले कैमरा से कैसी वीडियो आएगी। और गाइस मैंने अपना कैमरा को कर लिया है स्विच, एंड गाइस पहले से बहुत टाइम वेस्ट हो गया, फटाफट अब काम की बात करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राइस की, गाइस जो एक्चुअल प्राइस है एप्पल की वेबसाइट पे मेंशन हो रखा है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, जो iPhone SE है हमारा सेकंड जनरेशन, उसका 64GB का प्राइस है 42,500 का। एंड गाइस जो iPhone XR है 10R, उसका प्राइस है 52,500। गाइस मैंने कंपैरिजन के लिए iPhone 11 भी लिख रखा है यहाँ पे, थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशंस iPhone 11 में इसलिए लिख रखा है क्योंकि गाइस जो iPhone SE है और हमारा iPhone 11 है, उनकी स्पेसिफिकेशंस काफी सारी सेम टू सेम ही है, तो इसलिए मैंने उसको कंपैरिजन के लिए लिख रखा है यहाँ पे। गाइस 256GB का मॉडल अवेलेबल नहीं है हमारे iPhone XR में, 256GB के प्राइस है 58,300, एंड गाइस 128 का है 47,000 और उसका है 57,000, तो बेसिकली 10,000 रुपए का पूरा का पूरा गैप है दोनों के बीच में। गाइस अब सेकंड चीज मैं बात करता हूँ डिजाइन की, तो जो iPhone SE है, iPhone SE का डिजाइन जो है हमारा वो है मतलब बहुत साल पुराना डिजाइन, 2017 वाला iPhone 8 वाला डिजाइन है, सेम हमारा iPhone SE का। गाइस अगेन ऐसा नहीं है कि ये वाला डिजाइन बहुत ज्यादा खराब है, इस पे बेसिकली फायदा ये कि आप चारों कॉर्नर्स पे काफी ज्यादा आसानी से पहुंच सकते हैं। ऑल दो जो हमारा iPhone SE फर्स्ट जनरेशन था वो 4 इंच का फोन था, तो 4 इंच का फोन मेरे हिसाब से यूज करना कोई सेंस नहीं बनता आज की डेट में, मतलब जिन लोगों को अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 4 इंच का थोड़ा काफी ज्यादा छोटा है। 4.7 इंच फिर भी ठीक है, कई लोगों को तो ये भी छोटा लगता है, बट फिर भी 4.7 इंचेस ठीक है मेरे हिसाब से। तो गाइस जो iPhone XR का लुक है वो है काफी ज्यादा मॉडर्न, बिल्कुल आज के iPhone जैसा, मतलब सामने से पता भी नहीं चलेगा कि iPhone 11 है या फिर iPhone XR है, अंटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही, मतलब जिसको बहुत कुछ पता हो डिस्प्लेस वगैरह के बारे में। ऑन दी हैंड गाइस iPhone SE का डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा पुराना है, बिल्कुल iPhone 7 या फिर iPhone 8 या फिर iPhone 6 जैसा भी। हां 6 का डिजाइन भी गाइस कुछ ऐसा ही दिखता है ऑलमोस्ट आगे से, बट गाइस इसमें डिस्प्ले जो है वो ब्लैक देखने को मिल जाएगी। सो गाइस कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीछे कोई भी कलर हो, व्हाइट हो, ब्लैक हो या रेड हो, डिस्प्ले जो होगी आपकी, डिस्प्ले के बेजल्स होंगे वो सारे ब्लैक ही होंगे, जो कि एक अच्छी बात है। 4.7 इंचेस की गाइस रेटिना HD डिस्प्ले है हमारे iPhone SE में, और 6.1 इंचेस की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है iPhone XR में। गाइस लिक्विड रेटिना और रेटिना डिस्प्ले में गाइस कोई भी मतलब बिल्कुल भी मेरे हिसाब से फर्क नहीं है, दोनों वाइज बिल्कुल सिंपल LCD डिस्प्ले होती है, इसमें कुछ भी ऐसी खास बात नहीं है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, दोनों LCD डिस्प्ले हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें। 6.1 इंच की LCD डिस्प्ले हमारे 10R में, और 4.7 इंच की LCD डिस्प्ले है हमारे
iPhone SE में। डिस्प्ले दोनों फोन की बिल्कुल सेम टू सेम ही है, बस थोड़ा साइज का डिफरेंस है। जैसे कि आप देख सकते हैं एप्पल की वेबसाइट पर जो मेंशन है, सारे स्पेसिफिकेशन बिल्कुल एक जैसे ही है। थोड़ा सा रेजोल्यूशन जो है हमारा आईफोन एक्स का डिस्प्ले का वो थोड़ा सा अच्छा है, बट स्टिल वो डिस्प्ले भी HD नहीं है, वो सॉरी फुल HD नहीं है, वो HD डिस्प्ले है दोनों फोन की। एंड जो पिक्सल पर इंच है दोनों का 326 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो पिक्चर की शार्पनेस वगैरह होगी मेरे हिसाब से दोनों फोन में आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगी। गाइस नेक्स्ट अप इज कैमरा, क्योंकि गाइस मेरे हिसाब से जो ये दोनों फोन है आप लोग जो लेंगे वो गाइस मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस और कैमरा ही देखेंगे, और कैमरा सबसे पहले देखेंगे। सो गाइस इसलिए कैमरा की बात करते हैं। गाइस दोनों फोन में आपको बैक साइड में देखने को मिल जाएगा 12 MP का वाइड एंगल वाइड कैमरा। सो दोनों फोन में सेम टू सेम कैमरा यूज हुआ है, दोनों का अपर्चर भी गाइस बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। बैक कैमरा की बात कर रहा हूं फिलहाल तो। एंड ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन दोनों में है, 5x जूम, 2x फ्लैश, काफी सारे सिमिलैरिटी वाले फीचर्स हैं। गाइस ये चीज आईफोन SE कैमरा में ज्यादा अच्छी है कि इसमें आपको पोर्ट्रेट लाइटिंग शॉट विद 3x एफएक्स देखने को मिल जाएंगी। गाइस ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गाइस जो हमारा आईफोन SE उसमें मिला है हमें A11 बायोनिक चिप, एंड A11 बायोनिक चिप का न्यूरो इंजन है वो है 3rd जनरेशन वाला। सो जो कि जिसकी वजह से हम आईफोन SE में फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों से सारे शॉट्स ले पाएंगे, जो भी आपको ये दिख रहे हैं शॉट्स सारे 6 शॉट्स, इसमें ऑन द अदर हैंड सिर्फ 3 ही है। एंड विद आईफोन SE में जो HDR कंटेंट है, HDR फोटोज है, वो भी काफी अच्छी मिलेंगी हमारे आईफोन XR जगह, क्योंकि ऑब्वियसली आईफोन XR जो है उसमें 8/12 यूज हुआ है जो कि 2 साल पुराना है, एंड आईफोन SE में 8/13 यूज हुआ है। गाइस वीडियो रिकॉर्डिंग की मैं बात करूं तो दोनों में गाइस वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल सेम टू सेम आप कर सकते हैं, 4K 60fps दोनों में सपोर्ट मिलता है, 1080 60fps बिल्कुल गाइस कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में बिल्कुल सेम टू सेम वीडियो है। इसमें गाइस क्विक टेक का ऑप्शन में देखने को मिल जाता है आईफोन SE में। क्विक टेक गाइस बेसिकली ये है कि अगर आप कोई फोटो शूट कर रहे हैं तो साथ के साथ तुरंत ही आप उसको वीडियो भी शूट कर सकते हैं एक साथ ही। सो अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूं, फ्रंट कैमरा में थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं हमारे आईफोन XR में। सो आई विल जस्ट शो यू, 7 MP का फ्रंट कैमरा है विद f2.2 के अपर्चर, बिल्कुल सेम ऑटो और HDR फ्लैश बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोर्ट्रेट मोड विद एडवांस बोके इफेक्ट्स एंड डेप्थ कंट्रोल ठीक है दोनों में सेम है। 6 lightning effects दोनों में सेम हमें देखने को मिल जाएंगे, ये यहाँ तक गाइस सारी चीजें सेम है। एक्सटेंडेड डायनेमिक रेंज हमें देखने को मिल जाती है आईफोन XR में, एंड गाइस सिनेमैटिक वीडियो स्टेबिलाइजेशन भी हमें XR में देखने को मिल जाती है। एंड गाइस वन मोर थिंग, फ्रंट कैमरा से आप 60fps में शूट कर पाएंगे 1080 फ्रेम्स पर सेकंड पे। सो ये XR में बहुत अच्छी चीज है गाइस, 60fps का मजा अलग ही होता है, बिल्कुल स्मूथ इमेज आती है, एंड ऊपर से इसमें इमेज स्टेबिलाइजेशन देखने को मिल जाएगी। सो गाइस फ्रंट कैमरा से अगर आप 60fps शूट करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी, ये हमें मिलना चाहिए चाहिए था मेरे हिसाब से आईफोन SE में भी, बट ड्यू टू व्हाटएवर रीजन कहीं मिलना नहीं। गाइस एनिमोजी मेमोजी आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे आईफोन XR में। गाइस ऐसा बेसिकली इसीलिए हुआ है क्योंकि जो आईफोन SE में फ्रंट कैमरा यूज हुआ है वो है FaceTime HD कैमरा, एंड गाइस जो हमारा आईफोन XR में यूज हुआ है वो हुआ है 2 depth फ्रंट कैमरा, क्योंकि गाइस आईफोन XR में हमें फ्रंट में देखने को मिल जाता है फेस अनलॉक वाला फीचर, तो जिसकी वजह से जो कैमरा है वो डेप्थ सेंसिंग भी कर पाता है। ऑन द अदर हैंड जो हमारा आईफोन SE है उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो गाइस ऑन द अदर हैंड जो हमारा आईफोन SE है उसमें हमें देखने को मिला है होम बटन, तो इसलिए जो वाला कैमरा है डेप्थ सेंसिंग वाला कैमरा लगाने का कोई सेंस बनता नहीं था। तो इसी वजह से जो हमें एडिशनल फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं हमारे आईफोन XR वाले कैमरा में। गाइस अगर मैं प्रोसेसिंग स्पीड की बात करूं, अब जो बात आती है गाइस इसमें आईफोन SE का बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है। गाइस आईफोन SE में प्रोसेसर यूज हुआ है वो है A13 प्रोसेसर, जो कि हमारे आज के आईफोन 11 में यूज हुआ है। सो 100,000 रुपए का आईफोन 11, एंड गाइस हमारा आईफोन SE जो कि है 42,000 रुपए का, तो 1,00,000 तो नहीं 60,000 जो आईफोन 11 में यूज हुआ है गाइस प्रोसेसर, वो सेम प्रोसेसर यूज हुआ है हमारे आईफोन SE में, सो गाइस जो कि बहुत अच्छी बात है। और गाइस जो हमारा आईफोन 10 आ रहा है उसमें यूज हुआ है A12 प्रोसेसर, तो A12 प्रोसेसर मतलब ऐसा नहीं है कि A12 भी बेकार है, बट गाइस A13 बहुत ज्यादा अच्छा है। वैसे तो आपको परफॉर्मेंस में मेरे साथ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो आईफोन XS मैक्स है उसमें भी यूज हुआ है हमारा A12 प्रोसेसर, सो गाइस A12 बिल्कुल बेकार नहीं है, बट गाइस A13 बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड गाइस अच्छी बात तो पूजा गाइस अच्छी बात ये कि आईफोन SE में एक तो गाइस A13 प्रोसेसर हमें देखने को मिल जाता है, एंड गाइस ऊपर से जो आईफोन SE की स्क्रीन है वो है सिर्फ 4.7 इंचेस की, तो गाइस जो एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा अच्छी मिल जाएगी हमें, मतलब छोटे पैकेट और बड़ा धमाका वाली बात हो गई। एक तो छोटी स्क्रीन है तो गाइस और ऊपर से लगी हुई है A13, तो गाइस जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा बूस्ट होने वाली है हमारे आईफोन SE में। ऑन दी देन गाइस A12 जो है वो एक तो A13 से कम एफिशिएंट है, एंड गाइस उसकी जो स्क्रीन है थोड़ी सी बड़ी भी है, 6.1 इंचेस की डिस्प्ले है हमारे आईफोन XR में, सो गाइस जिसकी वजह से गाइस थोड़ा बहुत फर्क हमें देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत नहीं परफॉर्मेंस में फर्क थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है। बट गाइस अगेन मैं बोल रहा हूँ जो A12 प्रोसेसर है वो भी बेकार प्रोसेसर बिल्कुल भी नहीं है, A12 गाइस इनफैक्ट काफी अच्छा प्रोसेसर है, बट अगेन A13 बहुत अच्छा प्रोसेसर है। चुप्पो थोड़ी देर और नहीं तो क्या इतना शोर आ रहा है। एंटीना मैंस की बात करूं, दोनों फोन में आपको सिमिलर टाइप के एंटीना मैंस देखने को मिल जाते हैं। गाइस जो एक चीज अच्छी है हमारे आईफोन SE में, गाइस हमें 802.11 AX Wi-Fi कनेक्शन देखने को मिल जाता है,
सो गाइस बेसिकली ये वाईफाई स्टैंडर्ड है एसी और एएक्स, इसमें कोई ज्यादा मतलब इतनी फर्क नहीं देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि वैसे देखा जाएगा तो प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो 802.11 एसी और 802.11 एएक्स कहीं बेसिकली बिल्कुल सिमिलर परफॉर्मेंस हमें देते हैं, बट ऑन पेपर देखें तो 80AX जो है 802.11 AX उसकी परफॉर्मेंस गाइस ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा है AC से। गाइस बेसिकली वाईफाई स्टैंडर्ड्स होते हैं एंड जो गाइस AX है वो तब तक मैटर नहीं करता जब तक आपके पास एक बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन हो। सो अगर आपके पास 100 Mbps या फिर 1000 Mbps का कनेक्शन है, आप एक टाइम पे बहुत सारे डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तभी थोड़ा बहुत फर्क पता चलेगा। गाइस वैसे मेरे हिसाब से एक रेगुलर बंदा एवरेज यूजर्स ऐसे काम नहीं करेगा अपने मोबाइल के साथ, सो इसलिए गाइस एंटीना बैंड से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा 802 AX और AC में। गाइस वैसे बाकी बिल्कुल दोनों के दोनों सेम ही है, सब कुछ कनेक्शन में सेम देखने को मिल जाते हैं। गाइस अगर मैं बात करूं दोनों फोन में देखने को मिल जाता है ड्यूअल सिम का ऑप्शन, सो एक सिम होता है नैनो सिम और दूसरा सिम जो होता है वो होता है ई सिम। सो गाइस ये दोनों में सेम फंक्शन देखने को मिल जाएगा जो कि एक अच्छी बात है। गाइस अगर मैं बैटरी की बात करूं, सो वेट आई जस्ट गो ऑन टू बैटरी, सो वो जैसे कि आप देख सकते हैं अगर मैं बैटरी की बात करूं जो आईफोन 8 है आईफोन SE है हमारा, उसमें एप्पल ने क्लेम करता है कि वो एकदम सेम हमारे आईफोन 8 जैसे बैटरी देगा, जो कि होगी इसमें बैटरी होगी वो होगी अराउंड 1800 mAh की। बट गाइस मेरे को लग रहा है कि आईफोन 8 से तो काफी अच्छी बैटरी देखने को मिल जाएगी हमें। आईफोन 8 में था A11 CPU, इसमें है गाइस A13 CPU, तो ऑब्वियसली अगर A13 CPU बहुत ज्यादा एफिशिएंट है हमारे A11 से, सो आईफोन 8 जैसी बैटरी सिमिलर बैटरी देखने का तो चांस बनता ही नहीं है। ऑब्वियसली गाइस डेफिनेटली मतलब आईफोन 8 से अच्छी बैटरी में देखने को मिल जाएगी हमारे आईफोन SE में। ऑन दी अदर हैंड गाइस जो आईफोन XR है उसकी बैटरी हद से ज्यादा अच्छी है, सो आईफोन XR की बैटरी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि उसकी 1.5 आवर्स लॉन्गर देन आईफोन 8 प्लस। सो गाइस आईफोन XR की बैटरी तो गाइस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अच्छी है, जैसे कि आप देख सकते हैं 65 आवर्स का ऑडियो प्लेबैक हमें देखने को मिल जाता है हमारे आईफोन XR में, ऑन दी अदर हैंड सिर्फ 40 आवर्स का ऑडियो प्लेबैक देखने को मिलता है हमारे आईफोन SE में। सो अगर आप गेम्स वगैरह खेलने के लिए आईफोन ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए आईफोन XR पर, तो गाइस क्योंकि मतलब फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना अच्छा प्रोसेसर हो, मतलब A13 है कोई बात नहीं, बट जो A12 है वो भी काफी अच्छा प्रोसेसर है गाइस, एंड आपको अच्छी बैटरी देखने को मिल जाएगी और स्क्रीन भी बड़ी देखने को मिल जाएगी, तो जो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस होगा वो भी काफी अच्छा होगा। गाइस दोनों फोन वायरलेस चार्जिंग केपेबल है एंड गाइस दोनों फोन में आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो गाइस फास्ट चार्जिंग के लिए आपको सेपरेटली 18 वॉट का चार्जर खरीदना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स एप्पल नहीं देगा। एंड गाइस सिक्योरिटी के लिए आपको इस पे मिलेगा फिंगरप्रिंट सेंसर, उसमें मिलेगी फेस आईडी, सो जो कि मेरे दोनों काफी ज्यादा सिक्योर है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। गाइस अब बात आती है कि आपको आईफोन SE खरीदना चाहिए या फिर आईफोन XR खरीदना चाहिए। गाइस बेसिकली पर्सनली अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं, चलो मैं पर्सनल ओपिनियन बाद में दूंगा, पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या खरीदना चाहिए। गाइस ये डिपेंड्स अपॉन द यूजर, अगर मान लो गाइस आपको फोन के साइज वगैरह से, आपको बेजल्स वगैरह से जो फ्यूचरिस्टिक लुक्स हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आपको बस एक परफॉर्मेंस चाहिए और आपको एक अच्छा कैमरा चाहिए, देन गाइस आईफोन SE इज द चॉइस फॉर यू। गाइस सस्ता भी है एंड आईफोन XR से अच्छा कैमरा देखने को मिल जाएगा, अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। एंड गाइस आईफोन SE जो है वो थोड़ा छोटा भी है तो आपके हाथ में भी काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट रहेगा। ऑन दी अदर हैंड गाइस अगर आप गेमिंग बहुत ज्यादा करते हैं, आपको मूवीज वगैरह देखने का शौक है, देन गाइस आई डोंट थिंक कि आईफोन SE विल बी द चॉइस फॉर यू, क्योंकि गाइस एक तो इसकी स्क्रीन छोटी है 4.7 inches की है, जो कि हाँ मतलब आईफोन 7 भी मैं कभी वीडियोस देखता हूँ तो मेरी आंखें दर्द करने लग जाती हैं, छोटी स्क्रीन तो है, बट गाइस जो हमारा आईफोन XR है उसमें देखने को मिलता है कि 6.1 inches की डिस्प्ले होगी, हद से ज्यादा बड़ी है, एंड जो बैटरी बैकअप है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है हमारे आईफोन SE से। एंड गाइस गेमिंग तो ऑब्वियसली अगर इस पर आप पबजी खेलोगे ना तो गाइस 2 matches में पूरा फोन खत्म हो जाता है, मतलब 100-0 पे आ जाती है ऑलमोस्ट। ऑन दी देंगे जो हमारा आईफोन XR है उसमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस गेमिंग वगैरह के लिए आईफोन XR की तरफ आप जा सकते हैं। गाइस बेसिकली आपको यूटिलिटी के फोन चाहिए, फोटोज वगैरह क्लिक करने के लिए फोन चाहिए, देन गाइस आईफोन SE से अच्छा फोन मेरे हिसाब से शायद से गाइस नहीं मिलेगा आपको इवन ऑन दी एंड्रॉइड साइड एज वेल। मेरे हिसाब से मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर ही लिए हैं मैंने आईफोन SE और आईफोन XR के बारे में। गाइस अगर कुछ मिस हुआ तो गाइस प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट्स ऑन बिलो, आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो अबाउट दोस पॉइंट्स जो मिस हो चुके हैं। सो गाइस मेरे हिसाब से दैट्स इट फॉर स्पीड बजट फॉर दिस वीडियो, अगर आप यहां तक आ गए देन यू विल डेफिनेटली ड्रॉप अ लाइक टू दिस वीडियो, एंड इफ यू वांट मेकिंग मी मोर सब्सक्राइब वीडियोस हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस एंड स्टे सेफ फ्रॉम द कोरोना वायरस।